छाप तिलक तब जीने मौत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला। 29 तारीख को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, और नीतीश कुमार की चुप्पी तोड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं। जैसा कि पहले से यह प्रस्तावित था कि 29 तारीख को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। हालांकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक जब नीतीश कुमार INDIA गठबंधन की बैठक से बाहर निकले उसके बाद घोषणा की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले से प्रस्तावित थी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक होना कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या होगा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, इस बात को लेकर के अब कयासों के बाजार में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 24 घंटे के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर होना क्या है। लेकिन इससे ठीक पहले जो बातें सामने आई हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक लंबे समय के बाद मीडिया के सामने रूबरू होकर अपनी बातें रखी है, वो साफ सब कुछ इशारा कर रहा है कि आखिर होने वाला क्या है। आपको बता दें कि मीडिया के कई सवालों का जवाब नीतीश कुमार देना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों ने नीतीश कुमार को एक तरह से समझिए कि रोकने की कोशिश की और मीडिया को कहा कि हो गया हो गया। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कयासों के बाजार में चल रहा है वो कहीं से भी उसे इनकार नहीं किया जा सकता है और निरस्त भी नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आज जब मीडिया से बातचीत किया तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हालांकि ये कहते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा कि ये तो स्वाभाविक है, हमारी पार्टी के नियम और संविधान के तहत हर साल हम मीटिंग करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये मीटिंग अहम इसलिए है कि पोस्टर और बैनर से भी ललन सिंह गायब हैं, जबकि ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के भी चर्चाएं खूब चल रही थी। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उन खबरों के हिसाब से नीतीश कुमार आज ही निकल रहे हैं और दिल्ली में कई नेताओं से नीतीश कुमार की गुप्त बैठक होने वाली है। हालांकि इसमें कहा यह जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि अंतिम बार वो ललन सिंह को भी समझाने और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सारी परिस्थितियों और सारी स्थितियों को देखते हुए एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं पेचीदा जरूर है और इसके खुलने के बाद बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां बदलने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें कि कयासों के बाजार में नीतीश कुमार का आधा अधूरा बोलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार के मन में बहुत कुछ है और नीतीश कुमार उस पर अमल करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके बगल में खड़े संजय झा ने भी मीडिया को कहा कि हो गया, सब कुछ बता ही दिया गया है। जिस तरह का इशारा उन्होंने किया उससे तो साफ यही लगता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज ही दिल्ली रवाना हो रहे हैं और दिल्ली रवाना होने के बाद नीतीश कुमार की कई नेताओं से गुप्त बैठक है। इसमें कौन कौन नेता हैं ये लिस्ट तो हमारे पास अभी तक नहीं आया है, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जिनसे रात के अंधेरे में नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है और कई मुद्दे हैं जिस पर मुहर लगनी है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। अभी जो जाना हेलीकॉप्टर पर जाना है, अध्यक्ष आप रहेंगे JDU के, क्योंकि खबरें चल रही है। सामग्री नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम उनका परंपरा, इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास क्या पार्टी का चल रही है कि सर आप NDA में जाएंगे, लेकिन सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ अध्यक्ष आप रहेंगे JDU के, क्योंकि खबरें चल रही है। मतलब नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम उनका परंपरा, उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। खबर चल रही है कि सर आप NDA में जाएंगे, लेकिन सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ सर क्या हटाएंगे या छोड़ेंगे, मत बोलिए सर। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू हजार साला,
जिया तू हजार तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहां हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।